नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है। इस्तकबाल है आजकल। मैं आपको साहिर रुझानवी की किताब नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी सुना रहा हूं। आज इसकी नवी और आखिरी किस्त सुनिए। नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी की नवी और आखिरी किस्त। दिन चढ़ता और पता ही न चलता कैसे बीत गया। विजयनगरम मेरे लिए नया था। हर आंख में कोई ना कोई सदियों का जमाशुदा रंग थिरक उठता। इससे पहले कहीं माजी और हाल को यूं बगलगीर होते ना देखा था। रात खत्म होती तो सुबह सूरज तमतमाता हुआ तिलक लगाए आ हाजिर होता। उसे देखकर मुझे कृष्णा देनी की पेशानी का बोटो याद आ जाता। पीछे से आकर कृष्णा देनी मेरी आंखें बंद कर लेती, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती। जूं ही परे हटती मेरी आंखें उसकी पेशानी की तरफ लपकती। कुमकुम का सुर्ख बोटो कैंडल की बजाय 50 कैंडल का बिजली का बल्ब बनकर उसकी पेशानी को रोशन करता दिखाई देता। कोशिश करने पर भी मैं कभी उसे ऐसी हालत में ना देख सका जबकि गुस्ल के बाद ये बोटो धुलकर उतर चुका हो। फिर मैंने ये कोशिश छोड़ दी। बस ठीक है, ये बल्ब हमेशा रोशन रहे, दिन हो चाहे रात, कुमकुम का सुर्ख बोटो, अन्नपूर्णा और कृष्णा देनी दोनों बहनें थीं। देनी पूर्णा से 2 साल छोटी थी, दोनों घर पर पढ़ती थी। बड़ी बहन संगीत की इब्तदाई मंजिलों को तय करके उसकी गहराइयों में पहुंच चुकी थी। छोटी बहन सिर्फ बहन की वीणा को देख छोड़ती थी, उसका गाना सुन लेती थी और अगर उस नगमे ने उसकी फस्तानत का कोई सोया हुआ रंग जगा दिया तो उसने थोड़ी बहुत तुकबंदी कर ली। नहीं तो किसकी वीणा, कौन अन्नपूर्णा? वो अपनी किताबों में उलझी रहती। भीमराव अपनी बेटियों की तारीफ मेरे सामने भी ले बैठते। दोनों के सुर्ख बोटो मेरे जहन में तैरने लगते और फिर मुझे महसूस होता कि मेरे मुंह में पान की पीक और भी सुर्ख हो गई है। मेरे जज्बात छालिया के नन्हे बारीक रेजे बन जाते जो पान चबाते वक्त फुस से दांत की दुर्जों में गुजर जाते। ये तो अपने आदमी है बेटियों, भीमराव कहते, इनसे खूब बातें करो, इनकी कहानियां सुनो, देश देश का पानी पी रखा है इन्होंने। हाँ, देश देश का। अपनी ये तारीफ सुनकर मेरे मसाम के कान लग जाते। पुट्ठों में एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता, जहन में एक गुदगुदी सी होने लगती। ये आंध्र प्रदेश की सुर्ख जमीन का खुलूस था, एक तरक्की पसंद खुलूस। एक कृष्णा देनी तो निरी गिलहरी है मिस्टर राव, एक दिन मैंने दोनों बहनों की मौजूदगी में कहा, और ये अच्छा ही है। खूब खूब इधर से उधर, उधर से इधर, मिश्री तो बैठ ही नहीं सकती, गिलहरी तो है। कृष्णा देनी हंसी नहीं, आखिर इसमें गिलहरी की क्या बात है? शायद हमारे मौजूद मेहमान के देश में कन्याएं गिलहरियां नहीं होती, वो हया से सिमटी रहती होंगी। लेकिन देश देश में, धरती धरती में फर्क होता है ना। भीमराव बोले, ये आंध्र प्रदेश है। अन्नपूर्णा ने उनकी बात काटते हुए कहा, और यहाँ की कन्याएं
आज़ाद नज़में बन गई हैं। कृष्णा देवी की आंखों में एक बिजली सी चमक आ गई, बोली, जी हाँ जी हाँ, आज़ाद नज़में। और मैंने महसूस किया कम से कम कृष्णा देवी ज़रूर एक आज़ाद नज़्म है, न बहर की हाजत बंद और न काफिये की पाबंद। अन्नपूर्णा ने अपने बाजू कृष्णा देवी के बाजुओं पर डाल दिए और बोली, देवी चलो आज दशेश्वरी के यहाँ चले, कल तो आई थी इधर, आज उसने शक्ल ही नहीं दिखाई। कृष्णा देवी ने अपना छोटा सा खूबसूरत सर हिलाया और पंखे की डंडी को कालीन पर फेरते हुए बोली, अन्नपूर्णा मैं बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती बाहर? अन्नपूर्णा ने हैरान होकर कहा। देवी ने कोई जवाब ना दिया। उसने पूर्णा के गले में बाजू डाल दिए, बोली, दीदी, और उसके बाद उसके कान में कुछ कह गई। अन्नपूर्णा उछल पड़ी, बोली, सच? देवी ने हाँ में सर हिला दिया। मैं कुछ ना समझ सका, मेरा दिल जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाया। देवी उठकर खड़ी हो गई और गुसल खाने की तरफ चल दी। अन्नपूर्णा ने ताली बजाई और घड़ी की तरफ देखा, उस वक्त सुबह के 10 बजे थे। वो भी अपनी खड़ाओं पर घूम गई और सामने रसोई के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई, जहां अम्मा बैठी हुई जमी कंद छील रही थी। अन्नपूर्णा ने कहा, अम्मा। अम्मा ने सर हिला दिया। अन्नपूर्णा उसके करीब पहुंचकर झुक गई, उसे कान में कुछ कह दिया। अम्मा का मुंह खुले का खुला रह गया, उसके गालों पर एक तमतमाती हुई सुर्खी नमूदार हुई, फिर एक मुस्कुराहट नाचती हुई उसके चौड़े चकले चेहरे पर चौगान खेलने लगी। अम्मा ने चाकू और जमीन तन को एक तरफ रख दिया और उठकर खड़ी हो गई, बोली, पंतलुगारू यानी पंडित जी, मेरे लिए ये सब एक पहेली से बढ़कर था। मेरा ख्याल था कि भीमराव इससे कोरे। वो उठकर अपनी बीवी के पास चले गए। मुझे यूं महसूस हुआ कि मैं रेलगाड़ी में बैठा हूं जो दंदनाती हुई एक सुरंग में से गुजर रही है। खूब अंधेरा छा गया है, कोई औरतों की बात होगी। सोचते ही सुरंग खत्म हो गई। कृष्णा ने पहले कभी वो सब्ज रंग की हल्की घघरी ना पहनी थी। घघरी का अंग गहरा सब्ज था और अंगिया का फीका सब्ज। उसकी आंखों की झीलों में भी सब्ज रंग का अक्स पड़ रहा था। ये रंग क्या कह रहा है? ये सवाल मुझे उसे जरूर करना चाहिए था। उसके लहू में किसी ने सोना पिघला कर डाल दिया था। ये सोना ही तो था जो उसे गालों पर दमक रहा था। ये सोना क्या कह रहा था? मांग क्या थी? पूरी पूरी पगडंडी थी। क्या मजाल कोई लट फिसल जाए, कोई बाल सरक जाए। कंघी चोटी का फन जवानी के साथ साथ अपने कमाल को पहुंचता है। नाक की सीध रखकर सर के बीचों बीच मांग काटना अन्नपूर्णा को सिरे से पसंद न था। मगर नहीं, कृष्णा देवी की सीधी मांग अन्नपूर्णा की टेढ़ी मांग से कहीं सुंदर लगती थी। उस वक्त दोनों बहनें मेरे करीब बैठी होती तो मैं अपना वोट छोटी बहन के हाथ में देता। कोई 1 घंटे बाद पूरे 11 बजे अंदर से वीणा के सुर सुनाई दिए। सिर्फ अन्नपूर्णा ही की वीणा तो यह रंग नहीं जमा सकती थी। मालूम होता था कि मोहल्ले भर की वीणा बजाने वाली सहेलियां सुर में लाकर कोई राग साध रही हैं।
ऐसी भी क्या खुशी थी। बहुत सी औरतें और लड़कियां जिनका ठट्टा और हंसी मजाक हवा को चीरे डालता था, आखिर किसी तकरीब पर बुलाई गई थी, मुझसे नाराज हो गया। बाईं खिड़की का पर्दा ज़रा सरका कर मैंने आंगन की तरफ नज़र डाली तो क्या देखता हूँ कि कृष्णा देनी सामने वाले कमरे में पीली धोती पहने बैठी है और आरती उतारी जा रही है। थाल में कुमकुम नज़र आ रहा था लेकिन उसमें कोई चौमुखा दिया नहीं जलाया गया था। कृष्णा देनी ने आंखें झुका रखी थी। इतनी भी क्या लाज थी, या ये कोई देवी बनने का उपाय था। कृष्णा देनी की माँ को बधाइयाँ मिल रही थी, अन्नपूर्णा की दुनिया सबसे ज़्यादा चमक रही थी। रंगारंग की साड़ियाँ मेरे जहन में गलत मलत हो रही थी। अभी एक बच्ची रोने लगी, उसे एक केला मिल गया। इधर एक लड़की अपने छोटे भाई के मुंह में गुड़ और तिलों का लड्डू डालने लगी कि एक लड़का उचक कर उसे छीन ले गया। कुछ परवाह नहीं, लड्डुओं की क्या कमी है, भाई खुश रहे, जीता रहे। मेरी फितरत के एक एक पुरस्कार कोने में कोई तानसेन जाग उठा, जिसे अन्नपूर्णा ने अपने गीतों की लहरों पर उठा लिया। ये कैसा गीत था, शायद ये दूध और शहद का गीत था। दूध दोहते वक्त जो आवाज़ पैदा होती है, कुछ ऐसी ही आवाज़ अन्नपूर्णा की वीणा पर पैदा हुई थी। अब तुम गाओ दशिश्री, तुमसे अच्छा तो न गा सकूंगी। अन्नपूर्णा, अच्छा बताओ कौन सा गीत गाऊं? वही जो तुमने उस रोज गाया था जब देनी की तरह मैंने पीली धोती पहनी थी और इसी तरह इसी आंगन में, बरकत वाले आंगन में औरतें और लड़कियां जमा हुई थीं। वही शहद की मक्खियों वाला गीत। दशेश्वरी ने गाना शुरू किया। आंध्र प्रदेश की शहद की मक्खियां क्या कह रही हैं, ये सवाल मेरे जहन की चार दीवारी में ही बंध रहा। वीणा के सुर आगे बढ़ते गए। ये कोई मामूली गीत ना था, सदियों के निस्वानियत का जज्बा बरतरी था। अभी तो दोपहर थी लेकिन हर औरत और लड़की की पेशानी पर एक एक चांद नजर आ रहा था। कुमकुम के सुर्ख बोटो, कृष्णा देनी की आंखें ऊपर ना उठी। क्या ये वही लड़की थी जो अब तक कभी अपनी चौकड़ी ना भूली थी? उसके आवेज साकिन थे, उसके नगीने चुप थे। लाज और दोषीजगी पहले तो कभी यूं तमाम बहनों के रूप में नजर ना आई थी, मगर वो कोई कबूतरी तो न थी जिसे पहली बार अंडे सेने से साबका पड़ा हो। ठट्टा और हंसी मजाक खामोशी में बदलते गए। गीत भी काफी हो चुके थे, वीणाओं के तार थक गए। कृष्णा देनी की माँ और बहन ने कुमकुम की थालियां उठाकर हर किसी के पेशानी पर फिर से नए बोटो लगा दिए। बल्कि ये कहना चाहिए कि पहले लगे हुए बोटो ही जली कर दिए। ऐसा दिन तो बहुत मुबारक था, हर किसी को पान पेश किया गया, नारियल और केले तकसीम किए गए और यूं सबको विदा किया गया। सदियों से यूं ही होता आया था। कुमकुम के सुर्ख बोटो अनगिनत नस्लों से कायम रहे थे, उनका रंग कभी फीका पड़ने नहीं दिया जाएगा। दूसरे रोज ये महफिल शाम के करीब जमी, फिर तीसरे रोज भी शाम ही को, चौथे दिन शाम की बजाय सुबह ही को यह रौनक शुरू हो गई। इस अस्था में मुझे पता चल चुका था कि कृष्णा देनी रजौला यानी हाइजा हो गई है। मुझे हैरत जरूर हुई,
क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान में कोई ऐसी रस्म मेरे देखने में नहीं आई थी। भीमराव की बातों में मीनाकारी का रंग पैदा हो गया था। बोले, झूठी शर्म में आंध्र प्रदेश कोई विश्वास नहीं रखता। सच कहता हूं, मुझे तो हैरानी है यह सुनकर कि आपके यहां ऐसी कोई रस्म मनाई नहीं जाती। जी हां, हैरानी तो होनी चाहिए। मैंने बढ़ावा दिया, कितना फर्क है धरती धरती का, यह तो जाहिर है। रजवाला होने पर गोया कन्या को कुदरत का आशीर्वाद मिलता है। आपका नुक्ते नजर बिल्कुल ठीक है मिस्टर राव, और ऐसे मौके पर खुशी मनाने से हरगिज नहीं चूकना चाहिए। हमारे गीत आपको कैसे लगते हैं? ये सब गीत, वीणा के ये सुर आंध्र प्रदेश के अब्दी बोल मालूम होते हैं। आंध्र प्रदेश के अब्दी बोल, हमारी ये रस्म बहुत पुरानी है, जरूर पुरानी होगी। पहले रोज जब कन्या को अपने रजौला होने का पता चलता है, वो किसी ना किसी तरह फौरन माता की खबर पहुंचा देती है। 3 दिन तक उसे हल्दी के पानी में रंगी हुई धोती पहनकर अलग कमरे में बैठना होता है, कोई उसे छुएगा नहीं। उसकी आरती भी दूर ही से उतारी जाती है। आरती में हमारे यहां जलता हुआ दिया, चौमुखा दिया ना भी हो तो परवाह नहीं, जरूरी समझा जाता है, मगर आपके यहां फर्क तो होता ही धरती धरती का। हमारे यहां बस कुमकुम ही सबसे जरूरी मान लिया गया है आरती के लिए। सुर्ख कुमकुम, कुमकुम हमेशा सुर्ख ही होता है। मैंने मुस्कुराकर आंखें झुका ली। भीमराव ने अपनी बात जारी रखी। खाने में भी रजौला को काफी परहेज करना होता है, सुर्ख मिर्च और गर्म मसाले उसके लिए मना है। बैठे बिठाए उसे खिचड़ी, दूध और कुछ फल मिल जाते हैं, खाए और पूरा आराम करें, यह जरूरी है। 3 दिन के बाद क्या होता है? मैंने फिर बढ़ावा दिया, कन्या स्नान करके पवित्र हो जाया करती है। उसकी वो पहली धोती धोबन को बतौर तोहफे के दे दी जाती है। अब वो माता पिता की हैसियत के मुताबिक नए वस्त्र पहनकर बैठती है, और ये चौथी यानी आखिरी आरती उतारते वक्त उसकी पेशानी पर बूटो लगाया जाता है। बूटो के लिए कुमकुम ना हो तो आंध्र प्रदेश का काम ही ना चल सके मिस्टर राव। कुमकुम ये तो जरूरी है, बल्कि ये कहिए कि आंध्र प्रदेश और कुमकुम दोनों हम मानी अल्फाज हैं। बस आपने ठीक समझ ली है बात। मेरा रुझान शुरू से सब्ज रंग की तरफ रहा है मिस्टर राव, सब्ज रंग की तरफ। लेकिन सुर्ख रंग निराली जबान में बोलता है। कुमकुम का पैगाम आंध्र प्रदेश सदियों से सुनता आया है। रंगों का मुताला मैंने भी कर रखा है मिस्टर राव। सब रंग अपनी जगह है, ये शांति का रंग है। हर सब चीज अमन सुकून का इशारा करती है। कुदरत को शायद यही रंग सबसे ज्यादा पसंद है। जब तक धरती बंजर नहीं हो जाती, उसकी कोख से इस रंग के कारनामे हमेशा हमारे ध्यान खींचते रहेंगे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया कि अपने झंडे पर इस रंग को उसकी जगह देने की बात फरामोश ना की। सफेद रंग मेरे ख्याल में पवित्रता का रंग है। हमारे झंडे पर तभी यह रंग भी मौजूद है। और सुर्ख रंग मैं समझता हूं यह खून का रंग है, अच्छे तंदुरुस्त खून का रंग, ताज़ा मजबूत जिंदगी का रंग। सब्ज, सफेद, सुर्ख, खूब रंग चुने। कांग्रेस ने झंडा बनाने का काम
आंध्र प्रदेश के सुपुर्द किया जाता तो सारे झंडे पर कुमकुम ही कुमकुम फैल जाता। लेकिन याद रहे कि सुर्ख रंग का मफहूम समझने में आंध्र प्रदेश ने खूब कदम बढ़ाया। कांग्रेस के बाएं हाथ ने इधर जो जोर पकड़ा है वो भी जाहिर है। पिछले दिनों जब श्री सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस प्रधान के इंतखाब में दोबारा खड़े हुए तो आंध्र प्रदेश के वोट बहुत भारी तादाद में उन्हीं को मिले थे। हालांकि उनके मुकाबले में खड़े होने वाले डॉक्टर सीतारमैया आंध्र प्रदेश के अपने आदमी हैं, मगर आप जानते हैं इन बातों में लिहाजदारी तो ठीक नहीं होती। सोशलिज्म और हिंदुस्तान की आज़ादी हमारे दो बड़े आदर्श हैं, और आंध्र प्रदेश को अलग सूबे का वक़ार हासिल हो जाए इसके लिए हम अपनी जानें लड़ाने पर आमादा हैं। पंतलुगारू, पंडित जी, बाहर से किसी ने आवाज़ दी। भीमराव बाहर चले गए। मैं खिड़की में से उनकी तरफ देखने लगा। यूं महसूस हुआ किसी के गैर मराई हाथ मेरी पेशानी पर कुमकुम का बोटो लगा रहे हैं। मैं झट वहाँ से हट गया और कमरे को अंदर से बंद करके मैंने बाईं खिड़की का पर्दा हौले हौले एक कोने से सरकाया। सामने बड़ी खुशनुमा मजलिस नज़र आ रही थी। कृष्णा देनी ने हल्के नीले अंगिया के साथ गहरी नीली साड़ी पहन रखी थी। आवेजों के नगीने सरोही थे। ऐसा मालूम होता था कि मेरे जहन के बचे खुचे सब्ज रंग ने उन रंगीनियों में पना पा लिए। अन्नपूर्णा ने वीणा पर मल्हार का राग शुरू किया। उसकी उंगलियां बहुत हुमक हुमक कर चल रही थी, मगर उस राग से भी कृष्णा देनी की आंखें ऊपर ना उठी। अन्नपूर्णा आसमान की तरफ देख रही थी और कृष्णा देनी धरती की तरफ आंखें झुकाए बैठी थी। किसने छू दिया था अपने गैर मरई बागी हाथ से उस कन्या को? हर रचौला तो यूं छुई मुई बनकर न रह जाती होगी। हल्की नीली अंगिया, गहरी नीली साड़ी और आवेजों के सुरोई नगीने। बाहर से ताज़ा हवा का झोंका आ रहा था। बहुत हो चुकी है लाज देनी, अन्नपूर्णा बोली। मैं भी हुई थी रज्जुला तेरी तरह। मैंने तो पहले ही रोज के बाद मुस्कुराना शुरू कर दिया था, ऊपर दाएं बाएं सामने देखना शुरू कर दिया था। मैं तो कभी नहीं सताती किसी को। कृष्णा देनी के चेहरे पर हौले हौले वही पुरानी शोखी आ गई। अम्मा ने आगे बढ़कर कुमकुम उठाया और उसके बोटों को जली कर दिया। कृष्णा देनी अब कोई छुई मुई ना थी। हर चेहरे की तरफ उसकी आंखें उठ जाती थीं। काली झीलों में न जाने कितनी लहरें थिरक रही थीं। कृष्णा देनी के संदली बाजू, जिन्हें देखकर ताज़ा ताज़ा रंदा किए जाने का गुमा होता था, ऊपर उठे और उसने सबको नमस्कार किया। सब औरतें और लड़कियां मुस्कुराईं। सबके सुर्ख बोटो ताज़े कुमकुम से जली कर दिए गए। जाने क्या कह रही थी, काजल की लकीरें हर आंख में, पान बटे सब्ज पान जो अपने सीनों में सुर्ख रंग छुपाए पड़े थे, केले बटे नारियल बटे। सब उठ खड़ी हो गई। क्या लेकर रंगी थी ये साड़ियां, क्या लेकर सुर्ख थी ये जमीन? उसके खत, उसकी कौसें, उसकी कौसें, होंठ, गाल, आंखें, सीने। कौन फनकार इनको तख्लीक करता था? कौन था जो जमीन की हर बेटी को ठीक वक्त पर रजोला बना देता था? ये तो बहुत ज़रूरी था। अनगिनत सदियों से, सब सफ़ेद और सुर्ख सदियों से यही होता आया था। सब औरतें चली गईं, सब लड़कियां भी तितर बितर होकर अपने अपने कमरे सॉरी
सब लड़कियां भी तितर बितर होकर अपने अपने घर भाग गई। अब सिर्फ कृष्णा देनी और अन्नपूर्णा रह गई। अम्मा रसोई में जा चुकी थी। अच्छा पूर्णा एक बात बताओगी? पूछो पूछो। रज्जु सौला होकर भी मैं इतनी कमजोर नहीं हुई, भला कैसे? कैसे यही होता आया है बहन, शुरू दुनिया से। मैं कौन सी कमजोर हो गई थी? बल्कि रंग निखर जाता है इससे, फिर हर महीने हर महीने। चुप देनी, कोई सुन लेगा। फिर दोनों बहनें उठकर अंदर चली गईं। मैं अपने सुर्ख कालीन पर लेट गया। मेरी रूह की गहराइयों से एक ख्याल उठा और बाहर से आने वाली हवा के झोंके से टकरा गया। मेरे जहन में कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था, सब्ज सफ़ेद और सुर्ख। उस झंडे की उम्र बहुत ज़्यादा तो न थी, मगर ये रंग तो पुराने थे, हिमालय के हम उम्र रंग, गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी के हम उम्र रंग। होगा इन रंगों का अपना अपना मफहूम, मगर मैं तो इस मफहूम पर लट्टू था जो खुद हिंदुस्तान ने रंगों के साथ वाबस्ता कर दिया था। और मेरी आंखों में वही लॉरी फिरने लगी जिस पर सवार होकर मैं भीमराव के मकान तक पहुंचा था। दाएं बाएं आमने सामने जहां तक मेरे जहन की पहुंच थी, सुर्ख जमीन लेटी हुई थी। एक रजौला कन्या की तरह वो आराम कर रही थी। वो वक्त मुझे बहुत करीब आता दिखाई दिया जब उसकी कोख हरी होगी और कोई ऐसा आदमी पैदा होगा जो आवाज बुलंद पुकार उठेगा, हलों की अब इन खेतों में गुलाम नहीं उगेंगे, हलों की अब इन खेतों में गुलाम नहीं उगेंगे, अब इन खेतों में गुलाम नहीं उगेंगे, ये लाल धरती है, ये लाल धरती है। तो ये थी आखिरी किस्त, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ नए अदब के मेमार देवेंद्र सत्यार्थी की। जल्दी फिर कोई नया सिलसिला शुरू करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।